नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा इन फंजाई को पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने कल आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो कंप्लीट करा दी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसके यूज़फुल करेक्टरिस्टिक्स तो हमने पढ़ लिए, अब वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी तो उसके होते हैं। बैक्टीरिया जैसे वायरस के थे, वायरल डिसीज़ वगैरह हो रही थी प्लांट में और एनिमल्स में, इस तरह से बैक्टीरिया के भी क्या हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो देखते हैं कि वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में देखें तो फूड पॉइजनिंग, यानी कि खाने को किस तरीके से जहरीला बनाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक्चुअली क्या करता है, जैसे मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर में जाके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं। बट ये क्या करते हैं, जो हमारा प्रिजर्वेटिव फूड भी रखा रहता है या फिर फूड नॉर्मली रखा रहता है उसके अंदर ये बैक्टीरिया उसको डिकेइंग करने में या फिर उसको पॉइजनस करने में भी जो है अपना रोल प्ले करते हैं। इट मीन्स बैक्टीरिया यूज़फुल होने के साथ साथ हार्मफुल भी हैं। अगर वही बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक अगर सॉइल की बजाय ये फूड में अपना काम कर लेते हैं तो ये एक पॉइजनस इफ़ेक्ट अपना देते हैं। अगर बात करें फूड पॉइजनिंग में कि कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया के, तो सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस और दूसरा है क्लोस्ट्राइडियम बेटुलिनियम। तो ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ये खाने में या जो फूड जो बनता है उसमें ये टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। वो जो टॉक्सिन होता है वो होता है पिटोमीन एक टॉक्सिन होता है जो कि इन दोनों बैक्टीरिया के थ्रू फूड के अंदर रिलीज़ किया जाता है। इसी जो टॉक्सिन है इसी की वजह से खाना जो है वो पॉइजनस हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग के अंदर ये दोनों बैक्टीरिया किस तरह से अपना टॉक्सिन रिलीज़ करके खाने को क्या कर रहे हैं, पॉइजनस कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया का सबसे पहला जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो है फूड पॉइजनिंग। दूसरा अगर हम देखें तो ये बैक्टीरिया हार्मफुल की जहाँ कहीं बात आ जाती है तो वहाँ डिसीज़ आए बिना तो रह ही नहीं सकती है। तो डिसीज़ जो है इसका नेक्स्ट फैक्टर है जो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करता है बैक्टीरिया द्वारा, यानी कि डिसीज़ बैक्टीरिया द्वारा जो है कई सारी डिसीजेस प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होती हैं, बट प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मेनली देखी गई हैं। 170 स्पीसीज़ हैं जिनके अंदर प्लांट के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की हुई डिसीज़ देखी गई हैं। ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं टीजे बरिल 1870 में, इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लांट के अंदर किसी बैक्टीरिया के द्वारा डिसीज़ देखी थी। इन्होंने क्या देखा था कि बैक्टीरिया जो होते हैं जो कॉज करते हैं प्लांट के अंदर डिसीज़ को, वो मोस्टली रॉड लाइक होते हैं और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, यानी कि रॉड लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है और वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं। अगर वो स्पोर फॉर्मिंग हो जाएंगे तो उसी जगह पर वो जर्मिनेटिंग हो जाएंगे, वो जर्मिनेट करवाएंगे, स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं। बट जो नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया होते हैं वो स्पोरिंग बैक्टीरिया होते हैं या फिर स्पोर्स जहाँ बनते हैं उन स्पोर्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इसकी वजह से प्लांट्स के अंदर कई तरीके की डिसीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि ये प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया एंट्री कैसे लेता है। अगर हम देखें तो हम बोलते हैं कि कोई घाव अगर हमारे शरीर पे हो जाता है तो इसे ज़्यादा बांधा मत छोड़ो, या फिर इसे ज़्यादा किसी कॉन्टैक्ट धूल मिट्टी या हवा के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में मत आने दो। क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो डायरेक्टली वाउंड के थ्रू, मतलब उसको ओपनिंग चाहिए होती है होस्ट सेल्स के अंदर पहुंचने के लिए। अब वो ओपनिंग प्लांट्स के अंदर वो वाउंड भी हो सकते हैं, या फिर जैसे ओपनिंग मैंने बताया था जब आपको मैं पढ़ा रही थी गैसेस एक्सचेंज, तो स्टोमेटा वो मेन
पार्ट होता है लीव्स के अंदर, जो कि गैसेस एक्सचेंज और डिफ्यूजन में मदद करता है। तो यहीं पे बात करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग जो होती है लीव्स के अंदर वो होती है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू बैक्टीरिया जो है एंटर करता है, लेंटिकल्स के थ्रू जो है बैक्टीरिया एंटर करता है, वॉर्म्स के थ्रू जो है बैक्टीरिया एंटर करता है। तो ये सब पार्ट्स हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया प्लांट में एंटर करके उनके अंदर उनकी ईल्ड को, उनकी फर्टिलिटी को स्पॉइल करता है और उनको डैमेज कर देता है। तो हम देखें कि डिसीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो डिसीज़ फिर है क्या। हम जब बात कर रहे हैं डिसीज़ की तो प्लांट के अंदर किस तरीके की डिसीज़ हैं, तो एक होती है क्राउन गॉल, एक होती है विल डिसीज़। तो इस तरीके की जो डिसीज़ हैं इनको मैं आपको बताती हूँ, क्राउन गॉल क्या है और बाकी की जो भी डिसीज़ हैं वो क्या क्या है। अगर हम प्लांट्स के अंदर डिसीज़ की बात करें कि बैक्टीरिया के द्वारा क्या क्या डिसीज़ होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विल डिसीज़। ये जो डिसीज़ है ये क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है प्लांट्स के अंदर, जो उसकी वेसल्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है। वो ब्लॉक क्यों होती है, जब बैक्टीरिया का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मासेस ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से जो वेसल्स होती हैं उसकी प्लांट की वो ब्लॉक हो जाती हैं, ड्यू टू विच विल डिसीज इज़ कॉज्ड। ठीक है, अगर इसकी अगर हम ये देखें कि एग्जाम्पल्स किन किन के अंदर ये देखने को मिलती है, तो ये पोटैटो, कोकुम्बर और वाटरमेलन जैसे प्लांट्स के अंदर ये जो है डिसीज़ देखने को मिलती है। यानी कि इसके अंदर जो प्लांट की जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स के थ्रू ही क्या होता है पूरे प्लांट के अंदर वाटर और फूड का जो है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब वही रुक जाएंगे तो प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा, और विल्ट होने की वजह से विल डिसीज़ का नाम दिया है। और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो पोटैटो, कुकुम्बर और वाटरमेलन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है क्राउन गॉल एंड हेयरी रूट्स। क्राउन गॉल, क्राउन क्या होता है हमारा, क्राउन होता है आउटग्रोथ की जैसा, ऐसा क्राउन होता है ना जो हमारा मुकुट होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये डिसीज़ भी क्या होती है, प्लांट के ऊपर एक आउटग्रोथ या हाइपरप्लासिया जैसा अपना स्ट्रक्चर बना लेती है। और ये क्राउन गॉल जो होती हैं, जो ओवर ग्रोथ होती है, उसमें क्या होता है एक जो फूड नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो ये इंटेक करने लग जाते हैं। इसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, वो रुक जाती है। क्राउन गॉल ऑफ बीट्स इसके अंदर देखने को मिलता है, और हेयरी रूट्स ऑफ एप्पल, जो एप्पल की जो रूट्स होती हैं वो हेयरी होने की वजह से उनमें भी ये डिसीज़ जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आती है नारकोटिक ब्लाइट। नार्कोटिक ब्लाइट जो है ये जो होता है, ये लीव्स के अंदर जो स्पॉट्स और रॉड्स देखने को मिलते हैं, जो क्योंकि वो जो स्पॉट्स और रॉड्स जो देखने को मिलते हैं, रॉड्स क्या होते हैं, जैसे कि ये लीफ है, ठीक है, उस पर जब हम देखें किसी किसी लीव्स पे काला 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 मोटा मोटा ऐसे 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 स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको रॉड्स बोलते हैं और इसी को स्पॉट्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से रॉड और स्पॉट्स जो लीव्स पे बनते हैं वो उसकी पेरेंट काइमा जो टिश्यू होता है या सेल्स होती हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। इसकी वजह से ये नार्कोटिक ब्लाइट जो है वो डिसीज़ जो है वो प्लांट्स के लीव्स के अंदर देखने को मिलती है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो वो है फायर ब्लाइट एप्पल, पियर एंड सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरेट एंड टर्निप। यानी कि एप्पल और पियर के अंदर फायर ब्लाइट होता है और कैरेट एंड टर्निप के अंदर सॉफ्ट रॉट होता है। तो ये याद रखना है कि फायर ब्लाइट किसके अंदर हो रहा है, एप्पल और पियर के अंदर, और सॉफ्ट रॉट जो है वो कैरेट और टर्निप के अंदर हो रहा है। इसी के बाद बात आती है दूसरा, अब ये हमारे यहाँ पे डिसीज़ तो कंप्लीट हुआ, इसी के बाद अगर हम बात करें किसकी, दूसरा जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। जो हमारे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनिया फर्दर अमोनिया एसिड अमीनो एसिड बनके, और वो क्या करता है नाइट्राइट बनाता है, और नाइट्राइट फर्दर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरह से हमारा वो नाइट्रिफाइंग जो बैक्टीरिया है वो एक यूज़फुल इफ़ेक्ट दे रहा था किसमें, एग्रीकल्चर के अंदर।
यहाँ पे उल्टा हो जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो साइकिल फ्री नाइट्रोजन हो रहा था, अमोनिया बन रहा था, फिर नाइट्राइड बन रहा था, फिर नाइट्रेट बन रहा था, वहाँ के जस्ट अपोजिट हो जाती है। पहले नाइट्राइड बनेगा, फिर नाइट्राइड जो है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वहीं नाइट्राइट्स फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनिया फिर फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। और वही फ्री नाइट्रोजन क्या होती है, एटमोसफियर में क्या हो जाती है, चली जाती है। और फ्री नाइट्रोजन जब एटमोसफियर में चली जाती है तो उससे क्या कॉज हो जाता है, उससे हो जाता है कि तो फ्री नाइट्रोजन जब एटमॉस्फेयर में चली जाती है तो क्या होता है कि सॉइल में से नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, उससे सॉइल फर्टिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि डीनाइट्रिफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया थे जो नाइट्रिफाइंग प्रोसेस को कर रहे थे, और जो डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं वो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियम होंगे जो डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे। तो इस प्रोसेस का देखो कितना हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है कि सॉइल में से जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो ही कम हो जाएगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी फिर कैसे होगी। इसके कई कई कारण हैं कि कैसे, जब ज़्यादा मात्रा में हम सॉइल में मैन्योर डाल देते हैं, खाद वगैरह डाल देते हैं, तो उस वजह से भी ये डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है। या फिर सॉइल में बार बार एक ही खेती करते जाओ तो फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। या फिर हार्मफुल फीसेस के मेन्योर को यूज़ कर लेते हैं तो डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है। तो ये सब क्या हैं, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन फिर किस तरीके से कॉज होती है। तो अवॉइड करना चाहिए जब आप खेती कर रहे हो, आप बोलते हैं कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ो, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती के अंदर मैन्योर वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के यूज़ होते हैं, और उसमें सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए उसमें सॉइल फर्टिलाइजर्स का बहुत अच्छे से और बहुत बैलेंस्ड वे में यूज़ किया जाता है, और एक ही खेती को बार बार नहीं किया जाता है। तो इन सब बचाव से क्या होता है कि हम डीनाइट्रिफिकेशन होने से रुक जाता है, उससे जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियम है वो नाइट्रोजन को सॉइल में से रिमूव नहीं कर पाता है। क्योंकि सॉइल में से अगर नाइट्रोजन ही चला जाएगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बन पाएगी, प्लांट्स को फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो प्लांट ग्रोथ कैसे करेंगे। तो इस तरीके से वो सॉइल फिर धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी भी जो है वो ख़त्म होने लग जाती है। जो बंजर खेती होती हैं वो इसी तरीके से बंजर होती हैं, उनमें उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, इस वजह से जो सॉइल जो है वो अनफर्टाइल हो जाती है। तो ये देख सकते हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन अपने आप में एक ऐसा वो है, फैक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो कैसे अपने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो है दे रहा है। अगर इसी में अगर देखें तो डिसीज़ में, जब मैंने सिर्फ प्लांट की कुछ ही डिसीज़ कराई थी तो मैं डिसीज़ का कुछ चार्ट बना देती हूँ आपको, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स की डिसीज़ हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि बैक्टीरिया जो है वो किन किन डिसीज़ को कॉज करता है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डीनाइट्रिफिकेशन में किस तरीके से वो प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, नाइट्रिफाइंग प्रोसेस जो है वो दोबारा रिवर्स कैसे होती है। अगर हम देखें तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, नाइट्रिफाइंग में क्या हो रहा था, नाइट्रिफाइंग की अगर बात करें, नाइट्रिफाइंग में क्या हो रहा था, सबसे पहले फ्री नाइट्रोजन थी, वो फिर कन्वर्ट हुई किस में, अमोनिया में, और यही अमोनिया फिर किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट में, और यही नाइट्राइट फिर किस में कन्वर्ट हो गई, नाइट्रेट में। ठीक है, अब जब बात करते हैं हम डीनाइट्रिफिकेशन की, डी मतलब कि रिवर्सिबल ऑफ नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रिफिकेशन जो है उसका अगर रिवर्सल करेंगे तो अपोजिट होने लग जाएगा, नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्राइट जो है वो अमोनिया में, और अमोनिया जो है वो फर्दर फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी,
उससे सॉइल के अंदर में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और सॉइल की मात्रा कम होने से सॉइल फर्टिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर है डीनाइट्रिफिकेशन का। किस तरीके से, ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि किस तरीके से जो है नाइट्रिफाइंग जो है उसके जस्ट रिवर्सिबल हो जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये आप इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म्स इजीली याद रहते हैं बजाय कि आप थ्योरी को याद करो, तो इस तरीके से आप उसकी थ्योरी भी लिख सकते हो। तो इसके बाद अब मैं चार्ट बनाती हूँ प्लांट डिसीज और एनिमल डिसीजेज की जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है। तो अगर हम बैक्टीरिया का कॉज अगर ह्यूमंस में देखें तो मेन ह्यूमन डिसीज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वो डिसीज़ कॉज करता है निमोनिया। निमोनिया हम देखते हैं ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में होता है, जैसे ज़्यादातर छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको बड़ा कवर करके रखना पड़ता है क्योंकि उनको हवा लगने पर उनके चेस्ट में पेन होने लगता है, यानी कि उनके लंग्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है क्योंकि उनके जो लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो इतना मजबूत नहीं होता है। तो निमोनिया जो होता है वो बच्चों को बहुत जल्दी लगता है, बड़ों में भी हो जाता है अगर रेस्पिरेटरी और आपके लंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये निमोनिया जो है बहुत जल्दी कॉज करता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ठंड होने की वजह से चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है और उससे जो है कभी कभी तो और लंग्स में जो है वाटर की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये जो हमारा COVID-19 वायरस जो आया है कोरोना वायरस, इसका भी जो सिम्टम्स है जो मेन जो इसका जो कॉज है जो ये कॉज करता है ये यही करता है, ये एक निमोनिया टाइप के सिम्टम्स जो है वो डिसीज पर्सन में देखने को मिलते हैं कि लंग्स में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, चेस्ट में पेन होता है, सांस नहीं ली जाती, फीवर होता है। तो सेम निमोनिया के अंदर भी यही होता है, उसमें चेस्ट में पेन होता है, सांस नहीं ली जाती है और लंग्स में जो है वाटर की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा ठंड और फीवर भी होता है। तो ये देखा जाता है कि निमोनिया जो है अगर वो एक्सट्रीम लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें सडन डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट अगर देखें तो दूसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये सब नाम जो हैं आप बहुत इजीली याद कर सकते हो अगर इन्हें आप डिवाइड कर दें एक शॉर्ट उसमें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर आप ये देखें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या कॉज कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस यानी जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं टीवी, कि किसी भी इंसान को जब ट्यूबरक्लोसिस होती है तो उसको कफ खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके बहुत लंबे टाइम तक उसका कफ जो है अगर उसके लंग्स में इकट्ठा रहता है तो ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि आपके लंग्स के अंदर कफ जो है वो जमा होने लग जाता है और आपका लंग रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो डैमेज होने लगता है। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये ट्यूबरक्लोसिस यानी टीवी को कॉज करता है। ये जितनी भी डिसीजेज के नाम बैक्टीरिया के नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये क्या डिसीज़ कॉज करते हैं, ये नीट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये बैक्टीरिया ये जो डिसीज़ है ये बैक्टीरिया के द्वारा है या वायरस के द्वारा है। पहले तो डिसीजेज़ को पहले पहचानो कि बैक्टीरिया कौन से हैं, जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियल डिसीज़ कौन सी हैं, मतलब कि बैक्टीरियल डिसीज़ और वायरल डिसीज़ में डिफरेंस होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं कि जैसे आपसे पूछ ले कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कौन से डिसीज़ पे कॉज करता है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ या वायरल डिसीज़, तो वहाँ क्लियर आंसर है कि वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ करता है और वो कौन से डिसीज़ करता है, वो ट्यूबरक्लोसिस करता है। इसके ट्यूबरक्लोसिस जो इसका उसका स्पीसीज़ है जो इस बैक्टीरिया की जो स्पीसीज़ है उसी से क्लियर पता चल रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस से ही इसकी जो डिसीज़ का नाम है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से ही निमोनिया वर्ड जो है वो क्लियर हो रहा है। दूसरा आ जाता है हमारा सेल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड जो होता है, मैंने बताया आपको कि टाइफॉइड जो होता है
वो लिवर को डैमेज करता है, और ये जितना भी जो भी हम इंटेक करते हैं उसका डायरेक्ट क्या कर देता है, वॉमिट कर देता है। मतलब वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी चीज़ आपकी पच नहीं पाती है, यानी कि लिवर को ये डैमेज कर देता है, डाइजेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है एक तरीके से। तो टाइफॉइड को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि इसका जो बैक्टीरिया है वो सल्मोनेला टाइफी से आप टाइफाइड को याद रख सकते हो। चौथा है क्लॉस्ट्राइडियम टैटेनी से ही इसका डिसीज़ है, टेटनस होता है ना, कि अगर आप किसी भी जंग लगे हुए लोहे वगैरह से अगर आपका कोई घाव हो गया है तो तुरंत आपको ये बोला जाता है कि आप जाओ और टिटनेस का इंजेक्शन लगवाओ, क्योंकि टिटनेस का जो इंजेक्शन होता है वो टिटनेस होने से रोकता है, क्योंकि टिटनेस अगर आपको हो जाती है तो विदिन 24 आवर्स आपकी सडन डेथ हो जाती है। तो ये आप देख सकते हो कि ये भी एक बहुत हार्मफुल डिसीज़ है, मतलब इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई कुछ कट लगा है तो सबसे पहले आप देखो कि चीज़ जिससे कट लगा है वो कोई ऐसी तो नहीं है जिस पे जंग वगैरह लगी हुई है या बहुत पुरानी है, तो उसको अगर ऐसा है तो तुरंत आप उसको टिटनेस का इंजेक्शन, कोई ज़रूरी नहीं है कि जंग लगी हुई चीज़, आप नॉर्मली जैसे एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो उसमें सबसे पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो इंसान जो है बहुत टाइम तक उसका जो वाउंड है वो ओपन रहा है, दूसरा जो है उसका जो कॉन्टैक्ट जो है वो सॉइल वगैरह से हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया जो है सॉइल के थ्रू भी एंटर कर जाता है। तो ये सब जो है फैक्टर्स होते हैं जिनको देखा जाता है टिटनेस के अंदर। तीसरा आता है लेप्टोस्पिरा आइस्टेरोहेमोरेजिया, मतलब कि इसको आप तोड़ के देख सकते हो। लेप्टोस्पिरा जो होता है जॉन्डिस करता है, यानी कि जॉन्डिस जो होता है वो हमारा पीलिया होता है, पीलिया डिसीज़ जो होती है वो जॉन्डिस के थ्रू, यानी कि जॉन्डिस को पीलिया बोलते हैं। पीलिया आपको पता ही है, ये जो डिसीज़ है इसके अंदर आपका शरीर जो है वो पूरा पीला होने लग जाता है, क्योंकि जो RBCs हैं उनकी काउंट बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है, कि आपकी आंखें पूरी पीली पड़ जाती है, क्योंकि आंखों का जो वाइट पोर्शन है ये पूरा पीला पड़ जाता है, आपके हाथों के जो ये पाम का जो एरिया है ये पूरा जो है वो पीला पड़ने लग जाता है, आपकी स्किन जो है वो पूरी पीली होने लग जाती है, तो कुछ खाया जो खाते हो वो पछता नहीं है। तो ये सब जो है सिम्टम्स हैं जॉन्डिस के, और जॉन्डिस भी एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल और बहुत डेंजरस डिसीज़ है, इसका तुरंत इलाज होना चाहिए, अदरवाइज़ ये भी डेथ के लिए आगे प्रोसीड कर जाती है। तो लेप्टोस्पिरा जॉन्डिस कॉज करता है, क्लॉस्ट्राइडियम टिटनेस, सेल्मोनेला टाइफाइड, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट अगर सिक्स्थ की बात करें तो ये है यर्सिनिया पेस्टिस प्लेग्यू को कॉज करता है। प्लेग्यू जो है प्लेग जो मैंने बताया था जो चूहे के थ्रू जो होता है, एक बार जैसे ये कोरोना वायरस महामारी आई है ऐसे प्लेग जो है ये भी एक बीमारी आई थी जो कि चूहों के थ्रू लोगों में पहुंची थी। इसमें क्या होता है कि इस प्लेग में भी ये एक महामारी है, ये छुआ छूत की बीमारी होती है प्लेग की, ये बहुत भयंकर डिसीज़ होती है, ये बिहार में बहुत ज़्यादा तादाद में देखी गई थी जब ये प्लेग जो है वर्ल्ड वाइड ये भी महामारी के रूप में, जैसे कोरोना वायरस हुआ इस तरीके से प्लेग भी एक महामारी के रूप में साबित हुई थी उस टाइम पे। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, यहाँ भी माइकोबैक्टीरियम था पर ये ट्यूबरक्लोसिस था, ये लेप्राई में लेप्रोसी जो है डिसीज़ हो जाती है, तो लेप्राई वर्ड से आप लेप्रोसी देख सकते हो। इनके स्पीसीज में ही इनके डिसीज़ के नाम हैं, बस ये पीलिया जो है ये आइस्टेरोहेमोरेजिया जो ये स्पीसीज है इसको आप ब्रेक करके इसका नाम ले सकते हो, क्योंकि इसका नाम जो है वो डिफ़िकल्ट है और थोड़ा लेंदी है स्पीसीज का, इसलिए जॉन्डिस जो है आप ये याद रख सकते हो लेप्टोस्पिरा जॉन्डिस करता है। इसके जीनस से आप जो भी कोई नाम होता है उसमें जो उसका स्टार्टिंग होता है वर्ड होता है वो उसका जीनस होता है, और बाद का जो पार्ट होता है वो उसकी स्पीसीज होता है, ठीक है। तो स्पीसीज का नाम अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है तो आप उसके जीनस का नाम याद रखो, सो दैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये बैक्टीरिया कौन सी डिसीज़ कॉज कर रहा है। नेक्स्ट लेप्रोसी के बाद अगर बात करें तो ये है कार्डिया इंटेस्टाइनलिस में क्या होता है, डायरिया हो जाता है,
डायरिया क्या होता है हमारा, हैजा यानी कि वाटर का क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिमूवल होता है किसके थ्रू, फीसेस के थ्रू, और वॉमिटिंग भी आपको हो जाती है, यानी वॉमिटिंग और फीसेस के थ्रू वाटर का जो है बॉडी के बॉडी में से रिमूवल हो जाता है। इससे जो वेंस होती हैं बॉडी की वो कंस्ट्रक्टेड हो जाती हैं और उसमें से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रुक जाती है, इसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है और होती भी है। नाइन्थ अगर देखें तो ये है इस्चेरिचिया कोलाई, इसको ई कोलाई भी बोलते हैं। ये ब्लडी डायरिया करता है, डायरिया में वाटर का जो फ्लो, मतलब जो नॉर्मल आप फ्रेश होने जाते हो तो उसमें आपको सेमी सॉलिड फॉर्म मिलता है, बट यहाँ ये क्या डायरिया में क्या हो जाता है, कंप्लीट वाटरी फॉर्म में आपका फीसिस जो है वो देखने को मिलता है। बट अगर उसी में अगर ब्लड आने लग जाए तो फीसिस में, तो वो ब्लडी डायरिया होता है, या फिर खूनी उल्टियाँ होने लग जाएँ, या फिर खूनी दस्त होने लग जाएँ, तो ऐसे कंडीशन में ब्लडी डायरिया यानी कि ई कोलाई यानी कि इस चेरेचिया कोलाई के थ्रू जो है ये डिसीज़ होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेरिब्रियो कोलेरा, यानी कि वेब्रियो जो कोलेरा होता है वो क्या कॉज करता है, कोलेरा इज कोलेरा जो है वो किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, वेब्रियो कोलेरा के थ्रू कोलेरा होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेन ह्यूमन डिसीजेज जो हैं बैक्टीरिया के थ्रू बहुत ज़्यादा कॉज की जाती हैं। ये सारी की सारी जितनी भी डिसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ है। इसके बाद मैं बात करती हूँ प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया जो है तो क्या कॉज करता है। तो प्लांट की बात करें तो बैक्टीरिया स्यूडोमोनास सोलेरा सेरम जो होता है ये विल डिसीज़ कॉज करता है। विल डिसीज़ मैंने आपको बता दिया था, विल डिसीज़ में क्या होता है, वेसल्स जो होते हैं प्लांट के वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं बैक्टीरियम के द्वारा। दूसरा हो जाता है हमारा एरविनिया एरिडिनी, ये जो विल डिसीज़ है मैंने किस किस के अंदर बताई थी आपको, पोटैटो के अंदर, कुम्बर के अंदर और वाटरमेलन के अंदर देखी जाती है। तो दूसरी आती है एरविनिया एरिडिनी। एरविनिया एरिडिनी जो बैक्टीरिया है ये कॉज करता है रॉट्स इन रेडिश टोमेटो एंड कॉलीफ्लावर, टोमेटो कॉलीफ्लावर और रेडिश के अंदर ये रॉट्स जो है वो कॉज करता है। रॉट्स होते हैं जो काले 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 मोटे मोटे धब्बे जो होते हैं वो रॉट्स होते हैं। एरविनिया एमाइलोवोरा, ये एरिडिन था, ये एमाइलोवोरा है। एमाइलोवोरा ब्लाइट इन एप्पल, एप्पल के अंदर जो ब्लाइट का कॉज जो करता है वो करता है एरविनिया एमाइलोवोरा। दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, मतलब कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो है वो क्राउन गॉल अभी मैंने आपको बताया था, क्राउन गॉल के अंदर क्या होता है, आउटग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसके थ्रू क्या होता है, प्लांट की जो मेन ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। वो जो है क्राउन गॉल किस किस के अंदर देखा था हमने, एप्पल के अंदर देखा था। और नेक्स्ट है ज़ेंथोमोनास सिट्री, ये ज़ेंथोमोनास सिट्री सिट्रस कैंकर लेमन के अंदर कॉज करता है। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्लांट के अंदर किस तरीके से बैक्टीरिया जो है हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है डिसीज़ के रूप में। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और हार्मफुल इफेक्ट जो है बैक्टीरिया का कम्प्लीट हुआ। इसी के साथ बैक्टीरिया का जो कम्प्लीट टॉपिक है वो भी कम्प्लीट फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। इसी के साथ धन्यवाद, खुश रहो, शांत रहो और सुरक्षित रहो। धन्यवाद।